मेरा नाम फहीमा है और मैं हूँ लद्दाख से। अभी मैं विमेन स्कॉलरशिप में रूट में पढ़ रही हूँ। तो क्या प्रोग्राम था आज? हमारा आज था सेमीफाइनल अमर सिंह के साथ और फाइनल हमारा था इसके साथ बारामूला के साथ था। हम ये जो दोनों टीम थे वो बहुत ही अच्छे थे और इनसे हमें बहुत सीखने को भी मिलता है और ऐसे तैसे करके हम आज जीते हैं। तो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट एंड हम कोशिश करेंगे हम इसे भी अच्छा करेंगे आने वाले टूर्नामेंट में। ये CRPF हाँ जी जी हाँ उन्होंने किया था और इन्होंने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया था। यहाँ पे ये रिफ्रेशमेंट भी रखते हैं और ये इन्होंने वाटर बॉटल भी साथ में रखा था तो इनका जो ये था वो ठीक था। मैं ये कहना चाहती हूँ कि घर में बैठ के आप ऐसे हाँ घर में नहीं बैठना, आप बाहर आके अपना जितना आपके पास टैलेंट है वो दिखाओ ताकि आप आगे बढ़ सकते हो। घर में बैठ के आप कहीं पे भी नहीं पहुंचोगे और अगर पेरेंट्स का सपोर्ट है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। जी जी हाँ और ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए ताकि उनको एक्सपोजर मिल सके और वो अच्छे से अच्छे कर सके। अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम शमीमा कौसरी और मैं लद्दाख से हूँ। अभी मैं रिसेंटली MA रोड वुमेंस कॉलेज में पढ़ रही हूँ। आज हमारा पहला मैच था अमर सिंह के साथ सेमीफाइनल, उसमें हमने जीता। वो भी बहुत अच्छा टीम था, दोनों एक दूसरे के साथ टक्कर का था लेकिन हमारी मेहनत कहे रंग लाए और हमने जीता। बाकी गर्ल्स के लिए यही कहूँगी कि अपनी टाइम अगर खुद में हुनर है तो आगे आके दिखाओ और पेरेंट्स को भी कहूँगी कि अपने बच्चों को ऐसे घर में ना रखे, उनके टैलेंट्स को शो करने को उनको एक्सपोजर दे ताकि वो आगे जाके खुद को रिप्रेजेंट कर सके, चाहे स्टेट की तरफ से हो चाहे इंडिविजुअल हो चाहे ये की तरफ से। जी ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि हर एक लड़की को पता चले कि वो लोग किसी से कम नहीं है और वो भी लड़कों से कम नहीं है कि वो भी हर एक में इसमें पार्टिसिपेट कर सकते और अपने आप को आगे तक ले जा सकते।